गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पेज नंबर 69 ऑफ चैप्टर नंबर 6। नाउ सी स्पेस ट्रैवलर्स, दिस ऑल आर द स्पेस ट्रैवलर्स, दोज हु हैव विजिट द स्पेस एंड स्टेड देयर फॉर मैनी डेज। नाउ हु कैन गो टू स्पेस ट्रैवलर बच्चों? Astronauts only, and with the help of their vehicles, space craft से ही बच्चों वो space में जा सकते हैं। वहाँ जाके वो लोग थोड़ा celestial body के बारे में और सब कुछ जान के आए। They study there, they read there. Now Kalpana Chawla, she was an Indian American astronaut who was born in Karnal, India. ये सबसे पहले वुमन स्पेस में जाने वाली वुमन थी और उसका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल इंडिया में। She was the first woman to visit the space and the first travel to space in November 1997. वो कब स्पेस में गई? November 1997 में। उसके बाद बच्चों आया राकेश शर्मा। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड 138 एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल टू स्पेस एंड ही स्पेंट 8 डेज इन द स्पेस। अब ही वॉज 138, तो उसके पहले 137 स्पेस में जा चुके थे। तो ये हमारा इंडिया का फर्स्ट था, बट उसके पहले 137 दूसरे और लोग जा चुके थे। एंड ही स्पेंट देयर 8 डेज इन द स्पेस। स्पेस में जाके वो 8 डेज वहां पे रुका था। उसके बाद आता है बच्चों सुनीता विलियम स्टेड इन स्पेस फॉर, यहाँ 195 दिया है बच्चों, ये गलत है। सी स्टेड देयर 321 डेज एंड 17 आवर्स इन द स्पेस। स्पेस में जाके वो 321 डेज रुकी थी और 17 आवर्स। एंड सी वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डर टू स्टे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द स्पेस। स्पेस में लंबा समय तक रहने वाली ये फर्स्ट वुमन थी, उसने रिकॉर्ड किया है लंबे टाइम तक स्पेस में रहने का। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन ऑल्ड्रिन। दीज बोथ वेंट टू द मून फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा। नील आर्मस्ट्रांग एंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। ये नील आर्मस्ट्रांग जो है वो फर्स्ट था मून में जाने वाला, और एडविन ऑल्ड्रिन था वो सेकेंड मैन था। ये दोनों मून में गए थे एंड दे ट्रेवल्ड बाय, देखो बच्चों आपको पता ही है स्पेस में जाना है तो स्पेस क्राफ्ट में ही जाना है, बट इसका स्पेस क्राफ्ट का नेम था एपोलो, स्पेस क्राफ्ट एपोलो 11। एपोलो 11 में वो जाके मून में सबसे फर्स्ट एंड सेकेंड पहुंचे थे। देन आता है अबाउट एनिमल। एनिमल में ये डॉग है लाइका, उसका नाम क्या है? लाइका इज अ डॉग हु वॉज द फर्स्ट एनिमल टू सेंड टू स्पेस इन 1957। अब ये डॉग जो है वो स्पेस में उसको भेजा गया था सबसे पहले 1957 में। ही वॉज द फर्स्ट एनिमल टू गो इन द स्पेस। नाउ बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स मीनिंग। सी फर्स्ट वन है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अ पर्सन हु वॉचेज और नोटिस समथिंग, जो दूसरे को ऑब्जर्व करता है, देखता है, नोटिस करता है, वो क्या करता है, इसे नोटिस करता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। ट्रैवलर, तो बच्चों ट्रैवलर कौन होता है? अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग, जो ट्रैवलिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, उसको बोलते हैं
traveler. Then after is recognizable. Recognizable means क्या? Familiar because of having seen. वो famous होता है, रोज देखने में हमको आता है और famous हो गया है, उसको बोलते हैं recognizable. देन बच्चों उसके बाद है celestial. Celestial का मतलब क्या होता है बच्चों? Belonging और related to sky or heaven or an object found in outer space. ये क्या है बच्चों? Belonging or related to sky. Celestial मतलब वो sky के related और heaven में है, और object जो हम space में outer space में find करते हैं वो है celestial bodies. हम celestial body बोलते हैं ना, that. Then next is constellation. तो बच्चों constellation क्या है? A group of stars forming a recognizable pattern. ये जो group of star है, ये stars का pattern हर रोज same ही pattern रहता है बच्चों. सेम पैटर्न में ही ये आप हमको स्काई में दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन. जो रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न में हमको हर रोज दिखता है ग्रुप ऑफ स्टार्स है. देन कॉमेट, गुजराती में इसको हम बोलते हैं धूमकेतु. वो कॉमेट क्या है? अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ आइस. वो आइस का बना हुआ है. And a dust like a tail of gas. Gas का tail जैसा लंबा पतला पतला tail जैसा है, just pointing away from the sun. Sun के सामने उसका pointed दिखता है. वो comet tail जैसा है और sun के सामने उसका pointing है. This is a celestial object of eyes, made of eyes. देन सेकेंड वन इज बच्चो एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड भी से ये भी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी कंपोज ऑफ रॉक मेटल मूव अराउंड द सन. एस्ट्रॉइड क्या है? वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो रॉक और मेटल का है और सन को पूरे सन को घूमता रहता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड. देन बच्चों है यूनिवर्स. अ मिलियंस ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी. यूनिवर्स क्या है? वो मिलियन ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार जो गैलेक्सी में दिखते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्स. उसके बाद बच्चों आएगा गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या है? अ गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स. गैलेक्सी क्या है? स्टार का एक ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी. और प्लैनेट, स्टार्स और प्लैनेट टुगेदर, हेल्ड टुगेदर, दोनों गेदर में है और गैलेक्सी बनता है. देन है एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी क्या है बच्चों? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स इन स्पेस. जो स्पेस में साइंटिफिक स्टडी करते हैं यूनिवर्स में, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. अब बच्चा उसके बाद है एस्ट्रोनॉमर. तो एस्ट्रोनॉमर क्या है? अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी. जो पर्सन वो स्टार्स के बारे में स्टडी करता है और सेलेस्टियल बॉडी में के बारे में स्टडी करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर. एंड एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स इन स्पेस. समझ में आ गया बच्चों एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोनॉमी में? ना उसके बाद है सर्वाइव. अब सर्वाइव का मतलब क्या है बच्चों? मीन्स सर्वाइव मीन्स टू लिव, जीना. Survive means to live. उसके बाद बच्चों है वैक्यूम. वैक्यूम में क्या चीज है?
a space entirely empty of all substance, including air and gases. वैक्यूम एक ऐसी चीज है अंदर, एंटरली मीन्स अंदर, खाली, जिसमें एयर और गैस इंक्लूड होता है. दैट इज कॉल्ड वैक्यूम. ये वैक्यूम कहाँ पे होता है बच्चों? एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस सूट पहनते हैं उसमें ये वैक्यूम होता है, और वैक्यूम में ऑक्सीजन गैस होता है. अब बच्चों स्पेस क्राफ्ट. स्पेस क्राफ्ट क्या है? अ व्हीकल दैट टेक्स एस्ट्रोनॉट टू स्पेस. हम जो व्हीकल में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो स्पेस में ट्रैवलिंग करने के लिए व्हीकल का नाम है स्पेस क्राफ्ट. अ व्हीकल दैट टेक्स एस्ट्रोनॉट टू स्पेस. उसके बाद है स्पेस सूट. तो बच्चों स्पेस सूट क्या है? अ स्पेशल ड्रेस वॉर्न बाय एस्ट्रोनॉट. अ स्पेशल ड्रेस है जो एस्ट्रोनॉट्स पहन के स्पेस में जाते हैं. ये ड्रेस के सिवा वहाँ पे जाना नहीं मिलता है. स्पेस सूट पहनना ही पड़ता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस भी होता है, और जैसे जैसे ये अप जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है. दे कांट ब्रीद, वो ब्रीद नहीं कर सकते, इसीलिए उनको ऑक्सीजन गैस साथ में लेके जाना जरूरी है, और ये स्पेस सूट में ऑक्सीजन गैस होता है. बच्चों नाउ वंस आई एम अगेन रीडिंग दिस ऑल मीनिंग, यू लिसन प्रॉपरली. ऑब्जर्वर, द पर्सन हु वॉचिज और नोटिस समथिंग. देन ए ट्रैवलर, अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग. रेकॉग्नाइजेबल, तो फैमिलियर बिकॉज ऑफ हैविंग सीन. सेलेस्टियल, बिलोंगिंग और रिलेटेड टू स्काई और हेवन और ऑब्जेक्ट फाउंड इन आउटर स्पेस. उसके बाद है बच्चों कॉन्स्टिलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न. देन है बच्चों कॉमेट, अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ आइस एंड डस्ट लाइक अ टेल ऑफ गैस एंड डस्ट पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन. एस्ट्रॉइड, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज कंपोज्ड ऑफ रॉक मेटल मूव अराउंड द सन. देन बच्चों है यूनिवर्स, अ मिलियंस ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी. यूनिवर्स किसको बोलते हैं? मिलियन ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी. देन गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है बच्चों? से गैलेक्सी है, अ गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स held together by a gravity. Then उसके बाद है बच्चों astronomy, the scientific study of universe in space. Then है astronomer, a person who studies about stars and other celestial bodies. Then है survive, survive का मतलब क्या है? To live. Then a vacuum, a space entirely empty of all substances including air and gases. उसके बाद है space craft, a vehicle that takes astronauts to space. Space suit, अ स्पेशल ड्रेस वॉर्न बाय एस्ट्रोनॉट. स्पेस सूट क्या है? एक स्पेशल सूट जो एस्ट्रोनॉट पहनते हैं. अब बच्चों ये दो क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट वन है
ये टेक्स्ट बुक के ही है दो क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट वन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्पेस शूट. स्पेस शूट का इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों? स्पेस शूट इज अ स्पेशल ड्रेस वॉर्न बाय एन एस्ट्रोनॉट. वो एस्ट्रोनॉट पहनते है स्पेस शूट. कब पहनते? व्हाइल ट्रैवलिंग टू स्पेस एंड दिस सूट कवर्स द बॉडी. ये शूट से उनका बॉडी कवर होता है और वो जब ट्रैवलिंग में जाते हैं तब ये शूट पहनते हैं. और ये शूट में क्या है बच्चों? हैज अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड अलाउइंग टू सर्वाइव इन वैक्यूम इन एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड मूव अराउंड इन स्पेस. एक्सट्रीम EXTREME एक्सट्रीम टेम्परेचर में जब ये स्पेस में मूव करते हैं अराउंड तब उनको ऑक्सीजन गैस मिलता है. तो ये स्पेस शूट में स्पेस शूट का इम्पोर्टेंस क्या है? स्पेस शूट जो है बच्चों वो स्पेशल ड्रेस है एस्ट्रोनॉट का जब वो स्पेस में जाते हैं और ये शूट से उनका पूरा बॉडी कवर हो जाता है और इसके अंदर ऑक्सीजन गैस होता है जिससे वो जी सकते हैं. सर्वाइव मीन्स जीना. ये ऑक्सीजन गैस जब एक्सट्रीम टेम्परेचर वो ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है तब उनको ऑक्सीजन गैस लेना पड़ता है. अब बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन अ स्पेसक्राफ्ट एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब स्पेसक्राफ्ट के बारे में और दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिफरेंस बताना है. तो बच्चों स्पेसक्राफ्ट क्या है? स्पेसक्राफ्ट इज यूज बाय द एस्ट्रोनॉट्स टू ट्रैवल इन स्पेस ओनली एंड इट इज यूज ओनली इन स्पेस. ये जब स्पेस में ट्रैवलिंग करना है तब ये स्पेसक्राफ्ट यूज करते हैं. और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो तो कोई भी कभी भी उसको यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. और वो होता है एयर वाटर लैंड. ये तीनों का होता है बाय एयर बाय वाटर एंड बाय लैंड. अब देखो स्पेसक्राफ्ट इज यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स टू ट्रैवल इन स्पेस ओनली. इट इज यूज्ड ओनली इन स्पेस व्हाइल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय एवरीवन. सब यूज कर सकते हैं. बाय एवरीवन मीन्स वी ऑल कैन यूज इट एंड इट मे बी. वो देखो बच्चों हमारा ट्रैवलिंग में हम तीन टाइप के ट्रैवलिंग करते हैं बाय एयर बाय वाटर एंड बाय लैंड. एयर आपको पता है एयर ट्रैवलिंग में प्लेन एरोप्लेन हेलीकॉप्टर वो है. वाटर शिप बोट वो है. लैंड में तो बहुत सारे आते हैं स्कूटर बाइसिकल कार बस ट्रक कोई भी होता है. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इट इज यूज्ड बाय एवरीवन and it is used for going from one place to another by air by water and by land. Now bachcho ye dono question answer I am reading again. You listen it properly and you have to then fill up in your SS notebook. You have to write down what is the importance of spacesuit. Spacesuit is a special dress worn by an astronaut while traveling to space and this suit covers the body and has a supply of oxygen and allowing to survive in vacuum in extreme temperature and move around in space. Up second one a state two difference between a spacecraft and other means of transport. तो बच्चों स्पेसक्राफ्ट इज यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स टू
travel in space only, and it is used only in space, while means of transport is used by everyone to travel from one place to another, and it can be by air, water and land. बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है. ये आपको अपनी SS की नोटबुक में लिखना है. थैंक यू चिल्ड्रेन.